हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक खास वीडियो बनाकर लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉग क्रिएशन यानी ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे अपने कंटेंट को पोस्ट करते हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको अपने ब्लॉग को कैसे पॉपुलर करना है वो भी मैं सिखाऊंगा, और उस ब्लॉग के थ्रू कैसे पैसा अर्न करना है ये भी मैं सिखाऊंगा, और साथ में उस ब्लॉग के थ्रू मार्केटिंग करके अपने प्रॉफिट को कैसे डबल करना है ये भी मैं सिखाऊंगा। और सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, विथ प्रूफ दिखाऊंगा। इसमें कोई भी स्टेप आप जो भी देखोगे वो एक अपने आप में नया होगा और एकदम आप सीख जाओगे। मतलब आप ऐसा ना होगा कि आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम होगा। हाँ, बस यही करना है कि वीडियो में शुरू से अंत तक आपको बने रहना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, जंप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपके लिए मैं कितने लेटेस्ट और अच्छे वीडियो बना के लाता हूँ, आपको इससे अच्छे वीडियो और इससे लेटेस्ट वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो इसका हमको फ़ायदा होना चाहिए, आपको भी फ़ायदा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है, देखिए मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आपको कोई भी स्टेप जंप नहीं करना है। गूगल ब्लॉग लॉगिन, यहाँ पे आपको आना है, गूगल ब्लॉग लॉगिन पे क्लिक करना है। ये पहला वाला जो आइकन आपको दिख रहा है accounts.google.com, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करने के बाद आपको अपना आईडी सजेस्ट करना है, सेलेक्ट करना है। तो मैंने अपना आईडी सेलेक्ट कर लिया है। आपको अपने आईडी को सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है तो ये सारे मेरे पोस्ट आपको दिख रहे हैं, और मेरा ब्लॉग का जो नाम है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा किस तरह से मैं अपने ब्लॉग्स पे पोस्ट क्रिएट करता हूँ, आप भी उस तरह से ब्लॉग को क्रिएट करके पोस्ट कर सकते हैं। तो चूंकि फर्स्ट टाइम आप ब्लॉग में आओगे तो आपको ब्लॉग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद आपको एक अच्छा खूबसूरत सा टाइटल सजेस्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ देखिए टाइटल सेलेक्ट किया है CSC VLE हेल्प डेस्क। तो आप इसी तरह का मिलता जुलता जो CSC भाइयों के लिए या VLE भाइयों के लिए जो भी आपको टाइटल्स अच्छा लगता हो आप उसको बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उस जिस चीज़ के बारे में टाइटल बना रहे हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बताना होगा, आपको लिखना होगा तो अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हो कि सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन आपके साइट्स को सर्च करे तो आपको यहाँ पे करना होगा यस। और ब्लॉग का एड्रेस, जिस नाम से आपका ब्लॉग पहचाना जाएगा, आप मेरे ब्लॉग का एड्रेस का नाम नोट कर लीजिए भाई, मेरे ब्लॉग का एड्रेस का नाम है CSC VLE हेल्प डेस्क डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। ये मेरा ब्लॉग का एड्रेस है, इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके मेरे ब्लॉग पर डायरेक्टली आइएगा। देखिएगा मैंने कितना खूबसूरत ब्लॉग बनाया है, उसमें मैंने बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज अपडेट की हुई है, मैं तुरंत अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे स्टेप्स आपको बताने हैं किस तरह से आपको ब्लॉग क्रिएट करना है। तो आप एक, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, आपको एक एक स्टेप क्लियर करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉग का एड्रेस आपको सजेस्ट करना, आप अपने मन मुताबिक ब्लॉग का एड्रेस सजेस्ट कर सकते हो। HTTP रिडायरेक्ट में आप क्या करोगे, यस करोगे। ब्लॉग के ऑथर में आप अपना नाम डालोगे, तो मैं आपको नाम जो भी है आप यहाँ पे नाम सजेस्ट करके ऐड ऑथर पे, चूंकि मैंने कैरियर एज के नाम से डाला है तो आप ऐड ऑथर के नाम से जो भी है नाम लिख के, और ब्लॉग किसके लिए रहेगा, पब्लिक के लिए रहेगा, पब्लिक पे क्लिक करोगे। इतनी सारी चीज़ें सेटिंग में आपको करनी है। ये सारी सेटिंग में करने के बाद आपका जो ब्लॉग है वो क्रिएट होने के लिए रेडी है। आपको न्यू पोस्ट पे आके क्लिक करके आपको सारे ब्लॉग को क्रिएट करना है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे करेंगे। इससे पहले चलिए मैं आपको अपना ब्लॉग दिखा देता हूँ।
ये मेरे ब्लॉग का एड्रेस है csc.vle.helpdesk.blogspot.com, और ये अभी जस्ट मैंने आपके लिए मैंने ब्लॉग बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत सारी वीएलई भाइयों के लिए न्यूज डाला हुआ है। आप मेरे ब्लॉग पे आओगे तो लेटेस्ट जो भी वीएलई से रिलेटेड न्यूज़ होती है, लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़, वो मैं रेगुलर कंटेंट अपलोड करता जाऊँगा। तो आप मेरे साइट पर आके जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर पूरा डिटेल देख सकते हो। जस्ट सपोज करो कि मैं आपको अभी जो आरोग्य सेतु को अपलोड करने के लिए जो आ रहा है ऐप से कैसे डाउनलोड करें, उस पर मैंने सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ऐप पे कैसे, लिंक तक दिया हुआ। अगर आप मेरे साइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी है सारे कैसे इंस्टॉल करना है इस पर, जब अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको साइट पे ले जाया जाएगा और यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको मैंने सारी चीज़ों का ये दिया हुआ है कंटेंट। अब मान लो कि आप को और भी कुछ है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है तो उसका क्या स्टेज है, यहाँ के डायरेक्ट मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैंने सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड और सीएससी से रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, एचडीएफसी बैंक सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, स्कॉलरशिप कैसे भरते हैं, सीएससी रजिस्ट्रेशन न्यू कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के देने के साथ देखिए खास चीज़ है, यहाँ पर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का भी ऐड दिया हुआ है। क्योंकि आजकल हैंड वॉश बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोग हैंड वॉश के लिए बहुत सर्च कर रहे हैं, तो आप मेरे साइट पे आके हैंड वॉश भी परचेस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग कर किया हुआ है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ, इस पर क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो आप पूछोगे कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरे लिंक के थ्रू आप ये प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो आपको जो कॉस्ट लगेगा उसका कुछ क्रेडिट, यानी कुछ हमको जो भी इसका क्रेडिट होता है, जो प्राइस का 10% या जो भी होगा वो मेरे अकाउंट में आएगा। तो ये अपने आप में पहला तो प्लस पॉइंट हो गया कि अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अब मैं आपको एक और बेस्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते हो या एफिलिएट मार्केटिंग के साथ और प्लस में अर्न करना चाहते हो, तो यहाँ गूगल एडसीन, देखिए यहाँ अर्निंग का ऑप्शन है, यहाँ पे गूगल एडसीन मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करने पे गूगल एडसीन का ऑप्शन आता और यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको लिंक कर सकते हो अपने गूगल एडसीन से। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके ब्लॉग पे जो भी ऐड दिखाई जाएगी उसमें गूगल आपको जो भी गूगल को प्रॉफिट होगा उसके प्रॉफिट का कुछ अंश आपको भी दिया जाएगा। तो आपको अब मैंने दो अर्निंग का सोर्स बता दिया, एक तो हो गया एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरा हो गया गूगल एडसीन। अब आइए आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको न्यू पोस्ट में जाना होगा। न्यू पोस्ट में जाने के बाद आपको एक बहुत अच्छा सा टाइटल लिखना होगा, कोई भी टाइटल आप पसंद कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ लिंक करने का इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है, आप इमेज के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे जाके अपने डेस्कटॉप से कुछ भी, जैसे पीएम उज्ज्वला योजना मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे अपलोड होगा और यहाँ पे ऐड सेलेक्टेड पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। अब पीएम उज्ज्वला योजना के लिए कंटेंट आपको लिखना है, चाहो तो आप अपने से भी लिख सकते हो और नहीं तो गूगल पे बहुत सारी सामग्री पड़ी हुई है पीएम उज्ज्वला योजना से। आपको यहाँ पे कुछ नहीं, पीएम उज्ज्वला योजना, जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, मैं सिर्फ पीएम टाइप करता हूँ और जो भी कंटेंट है आप यहाँ पर टाइप कर दो। अब इसको सेव करना ना भूलो, सेव करने के बाद पब्लिश पे आप क्लिक करो। अब ये आपका ब्लॉग पब्लिश, देखिए यहाँ पे ब्लॉग आ गया, यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन है, व्यू का और डिलीट तीनों चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ शो करेगा कितने लोगों ने आपके ब्लॉग को विजिट किया हुआ है। तो अब व्यू ब्लॉग पे आप क्लिक करो, व्यू ब्लॉग पे आपको क्लिक करने के बाद आपका जो आपने अभी जस्ट एक बनाया, देखिए ये आ गया। तो अब आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करके
ये मैटर को देख सकते हो। तो इस तरह से ब्लॉग बनाना काफ़ी आसान है और इसमें आप बहुत सारे लेटेस्ट कंटेंट आप अपने हिसाब से डालकर अपनी जानकारी साझा कर सकते हो, जिससे बहुत सारे लोग सफलता प्राप्त करेंगे, बहुत सारे लोगों को लाभ होगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई, ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्ट कैसे डालते हैं, लिंक कैसे डालते हैं, इसमें अर्निंग कैसे होती है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अर्निंग कैसे करना है। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मेरे CSC VLE हेल्प डेस्क वाले साइट पे लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पे आइए और मेरे किसी ब्लॉग पे कमेंट पोस्ट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं आपको प्रैक्टिकल, अगर आपको नहीं आपसे